स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले तो अपन इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से अपन कोई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको अपन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमने कल डिजाइन टैब पढ़ा दिया था, अब अपन लेआउट पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपके सामने लेआउट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट करना हमें कल, हमने आपको कल बताया था, यानी सिलेक्ट में आपको दिया हुआ है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल, ठीक है। तो सिलेक्ट टेबल का मतलब क्या है, अगर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करो, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। तो ये चीज अपन कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप जाएंगे सिलेक्ट टेबल पर करेंगे तब भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है सिलेक्ट सेल। वैसे तो जब भी आपका किसी सेल में क्लिक रहता है, जैसे कि हमारा क्लिक है इस सेल में, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो ये पहले से ही सिलेक्ट है, लेकिन आपको दिखाना है कि सिलेक्ट है या नहीं है, तो आप यहाँ पर जाओ सिलेक्ट सेल। सेल क्या होता है, जो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको सेल बोलते हैं, एक रो और एक कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है, ठीक है। सेल सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम, कौन सा कॉलम सिलेक्ट होगा, मान लीजिए हमारा क्लिक कहाँ है, इस पे, ठीक है, और हम ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो कॉलम सिलेक्ट जिस पे क्लिक होगा, मतलब जिस भी कॉलम, मतलब मान लीजिए हमारा इस कॉलम पे क्लिक है तो ये कॉलम सिलेक्ट होगा, या अगर हमारा ये वाला कॉलम पे क्लिक है तो ये कॉलम सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट करें, कॉलम क्या होता है बताइए, ठीक है। तो ऐसे में हमारा सिलेक्ट करना है कॉलम, तो हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन पे और यहाँ से सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे, तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, तब भी आप कोई कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, क्लिक करेंगे, हो गया सिलेक्ट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से यहाँ से जाकर भी, लेकिन सिलेक्ट कौन सा कॉलम होगा, जिस कॉलम में आपका क्लिक होगा। अब अगर आपको कोई रो सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट रो पर क्लिक, तो ये देखिए पूरी रो सिलेक्ट हो गई इस तरह से। अब मान लीजिए आपने यहाँ से सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक किया, पूरा क्या कॉलम सिलेक्ट है, अब आप यहाँ से जाओगे और आपने कर दिया सिलेक्ट रो, तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो कॉलम था वो सिलेक्ट था, तो ये पूरा कॉलम में रो भी आती है, रो भी है, इसलिए उसने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है व्यू ग्रिड लाइंस, तो ये हमने आपको कल बताया था। अगर आप पूरी, अभी देखिए इस पर क्लिक है, मतलब ये एक्टिव है, अगर आप ये जैसे अभी इस पर क्लिक करो, मत करो यहाँ कोई भी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये कब समझ में आएगा, जब आप जाओगे यहाँ पर डिजाइन में, यहाँ से आप जब बॉर्डर हटा दोगे, हम इसको कर देते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। टेबल तो है लेकिन उसका अपन ने बॉर्डर हटा दिया है, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से दिखेगा आपको। तो ग्रिड लाइंस क्या करती हैं, अगर हमने यहाँ से ग्रिड लाइंस पर क्लिक करके रखा होता तो हमें ये दिखता कि यहाँ पर आपकी टेबल है, एक तरह से बोलते हैं निशान, ठीक है, उसका निशान तो अपन को दिखता कि यहाँ पर टेबल थी पहले कभी, ठीक है। अब अपन यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है ड्रॉ टेबल का, जो अपन पढ़ चुके हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए पेन आ जाता है, आप इस तरह से यहाँ से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इरेजर का। इरेजर का ऑप्शन, जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दी, गलत हो गई, अब इसको इरेजर से आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, क्लिक करते जाएंगे, ये इस तरह से इरेज करती जाएगी, ये देखिए इरेज कर दिया। अब मान लीजिए आपको बीच में से यहाँ से ये वाली लाइन हटानी है, इन दोनों को एक करना है, वो अपन आगे बताएंगे, मर्ज करना। अब मान लीजिए आपको कोई लाइन हटानी है, क्लिक कर देंगे, इरेज हो जाएगी। इरेजर का मतलब क्या रहता है, मिटाने वाला जो रबर होता है उसको इरेज बोलते हैं, इरेजर बोलते हैं। इरेज करना है, मतलब मिटाना है, तो आप यहाँ से इरेजर, इरेजर का यूज करके कोई भी जो है इरेज कर सकते हो, या फिर आपको ये पूरी लाइन मिटानी है, ये देखिए इरेज हो गई, ठीक है। अब आपको इरेजर कब तक आएगा, जब तक यहाँ पर क्लिक है, जैसे ही आप इस पे से क्लिक हटा देंगे, देखिए इरेजर हट गया, हम कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर लेते हैं,
है। और दूसरा, अभी हम पहले इसको इरेज कर देते, जैसे कि हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, अब हमने क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ टेबल पर जाएंगे, यहाँ से जाकर यहाँ तक एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है डिलीट ऑप्शन। डिलीट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज और डिलीट टेबल। अगर डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, टेबल क्या है, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। हम कंट्रोल जेड से इसको वापस लेकर आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर डिलीट सेल्स, तो जो सेल्स आपने सेलेक्ट करे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर बीच में ये अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये तीन सेल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, हम इनको डिलीट करना चाहते हैं। सेल क्या होते हैं सभी को पता है, ये जो बॉक्सेस हैं ये सेल हैं, ठीक है। तो हमने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम डिलीट सेल्स पर क्लिक करके पूछा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स राइट, हम यहाँ से ओके करेंगे, देखो डिलीट हो गए, ठीक है। इस तरह से आप सेल्स डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल जेड। अब इसके बाद हमें कोई रो या कॉलम डिलीट करना है। वैसे अगर आप यहाँ पर जो भी कॉलम सेलेक्ट है, मान लीजिए हमने इसमें कुछ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, हम ऐसे लिख देते हैं वन, इसमें वन लिख देते हैं और इसमें टू लिख देते हैं, इसमें थ्री, इसमें फोर और इसमें फाइव, ठीक है। अब मान लीजिए हमें फोर नंबर वाला जो रो है इसको डिलीट करना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, कहाँ जाओगे आप, लेआउट में, और यहाँ से हम करेंगे डिलीट रो, ठीक है। डिलीट रो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चार नंबर डिलीट हो गई है, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल जेड से हम इसको वापस लेकर आ गए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है ऑप्शन, ठीक है, डिलीट का। अभी डिलीट सेल्स का आ रहा है, एक सेकंड, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से डिलीट टेबल होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। रो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जैसे राइट क्लिक करोगे आप, अभी डिलीट सेल सिलेक्ट है इसलिए हम क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स देगा वो, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में हम सिलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर रो, एंटायर रो यानी जो रो सिलेक्ट है सिर्फ हमें वो डिलीट करनी है, ठीक है। हम यहाँ से डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो जो रो हमने सेलेक्ट करी थी वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप एंटायर कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपने दो कॉलम सेलेक्ट करके रखे, जैसे मान लीजिए हमें ये दोनों डिलीट करने हैं, तो हमने ये दोनों सेलेक्ट किए, ये दोनों मतलब ये वाला और ये वाला, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम्स क्लिक करेंगे, देखो दोनों डिलीट हो गए। जितने आप सेलेक्ट करोगे उतने कॉलम आप डिलीट कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके कर सकते हो, राइट क्लिक करके करोगे जितने कॉलम सेलेक्ट करके रखे हैं आपने उतने कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हैं, आ गया समझ में। इसके अलावा अगर आपको किसी रो की साइज बढ़ानी है या कम करनी है तो क्या करोगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, अब आप क्लिक करोगे और उसको कितनी बड़ी करना है खींच दोगे, जितनी बड़ी करना चाहते हो उतनी बड़ी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो साइड में उसकी लाइन के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, आप जितनी चाहे, जैसे इस साइड से बढ़ाना चाहते हैं इस साइड से करो, इस साइड से बढ़ाना चाहते हैं इस साइड से करो, आ गया समझ में, कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इंसर्ट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया पांच नंबर कॉलम तक हमें बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, या तो आप प्लस पे क्लिक करते हो तो बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारे एक साथ बढ़ाने हैं। अगर आप इंसर्ट अबव, इंसर्ट अबव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की साइड बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर आप इंसर्ट बिलो यानी हमें नीचे चाहिए, तो इंसर्ट बिलो जो भी जहाँ भी, जैसे मान लीजिए हमारा क्लिक है यहाँ पर, इन सभी को हम सिलेक्ट करते हैं, डिलीट पर जा रहे हैं और यहाँ से डिलीट रोज पर क्लिक कर देते हैं, हो गई डिलीट। हमारा क्लिक कहाँ पर है, चार नंबर कॉलम में, ठीक है, इंसर्ट अबव चार के ऊपर हो रही है, ठीक है। अगर हम चार नंबर पर फिर से क्लिक रख रहे हैं, इंसर्ट बिलो, तो चार के नीचे हो, मतलब आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, जो भी रो सेलेक्ट कर रखी है, अगर इंसर्ट अबव करेंगे, अब जैसे कि सिलेक्ट हमारा कौन सा है, ये नीचे वाला, ठीक है, अबव करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर से आ जाएगी, और बिलो करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा रो सेलेक्ट है उसके नीचे एक रो और बढ़ जाएगी, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद
इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या होगा? अब ये आपको कैसे समझ में आएगा कि रो ही इंसर्ट करना है या कॉलम ही इंसर्ट करना है? एबव का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या आप इस कॉलम के नीचे दूसरा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रो के नीचे ही अपन दूसरा रो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? मतलब ये हमारी एक रो है, ठीक है? क्या हम इसको साइड में अगर लेकर चले जाएंगे, मान लो हमने इसको उठाकर ऐसे सीधा कर दिया, तो ये कॉलम बन जाएगा, रो तो रहेगा नहीं। अगर हमें एबव का मतलब रो को हम या तो नीचे ले सकते हैं या ऊपर ले सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में नहीं ले सकते, ठीक है? इसी तरह से कॉलम का रहता है, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का मतलब क्या है? या तो आप कॉलम, एक कोई कॉलम आप इंसर्ट लेफ्ट में करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा कॉलम सिलेक्ट था उसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? और इंसर्ट राइट करेंगे, जैसे कि हमारा कॉलम ये वाला सिलेक्ट है, इंसर्ट राइट, तो राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? हम इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर हम अभी कंट्रोल जेड कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी ये किया है। बट इतना क्लियर है? इतने में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? इसके बाद अगर आप राइट क्लिक करके करना चाहते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इंसर्ट का ऑप्शन आता है। देखिए, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ठीक है, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो ही आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है? कर लेंगे इतना, ठीक है? अब इसके बाद अगला है मर्ज, ठीक है? मर्ज यहाँ पर क्या, रो एंड कॉलम ऑप्शन था, ये था ड्रॉ ऑप्शन, ठीक है? यहाँ से आप, ये था टेबल ऑप्शन। अब अपन पढ़ेंगे मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में मर्ज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जोड़ना या फिर मिलाना, ठीक है? तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शन में आपको उसी से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? अब इसके अलावा हमने आपको यहाँ से आपको टेबल की जो है शेडिंग वगैरह, मतलब कलर चेंज करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके टेक्स्ट के, मतलब आपका, आपकी जो टेबल है उसकी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसमें आपको टेक्स्ट बड़ा छोटा करना है, तो वो आप कैसे करोगे? बताइए, कौन बताएगा? अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अगर आपको टेक्स्ट बड़ा बड़ा करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो आप कैसे करोगे? टेबल में, होम मेन्यू में जाकर। तो होम मेन्यू में हम जाएंगे, कर देंगे, मान लो हमें इसका करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका कर देंगे, फिर हमें इसे अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सभी का करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर, अगर हमें मान लीजिए सिर्फ इस रो में जो भी है उनका करना है, तो क्या करेंगे, हम उतनी रो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ से हमें टेक्स्ट को बड़ा करना है, बड़ा कर देंगे। कलर चेंज करना है, एक साथ कलर चेंज होगा, ठीक है? पीछे का कलर, ये सॉरी, यहाँ से नहीं करना आपको, कलर चेंज करना है या तो आप यहाँ से करोगे या फिर लेआउट यहाँ पर डिजाइन में यहाँ से करोगे, ठीक है? अगर करोगे तो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट नहीं करना अपन को, शेडिंग करना है, ठीक है? इसके अलावा आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो सभी आप टेक्स्ट की होम मेन्यू से करेंगे, ठीक है? जितनी टेक्स्ट में करना है उतना टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, अगर पूरी टेबल में करना है तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। देखो, सभी का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है? इसके बाद लेआउट में हम अगला ऑप्शन बता रहे थे, मर्ज सेल्स। मर्ज का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर नेम या फिर मोबाइल नंबर या कुछ भी लिखा हुआ है, आप इन दो सेलों को मिलाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे मर्ज सेल्स पर, क्लिक करेंगे और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये एक ही माना जाएगा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा मर्ज सेल का यूज कहाँ कर सकते हो आप? जैसे कि हम इस पर यहाँ क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इंसर्ट एबव, हमें एक ऊपर एक और वो चाहिए, ठीक है, टेबल। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसमें नाम लिखना है, मान लीजिए हमें इसमें लिखना है आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर। अगर हम यहाँ लिखेंगे आईसीआईसी या कंप्यूटर सेंटर, अजीब लगेगा, हमें एक में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को मर्ज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सब, ये क्या हो गया, पूरा एक बन गया, ठीक है? आ गया समझ में? तो यहाँ से इस तरह से हम अब लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आप इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है?
आ गया समझ में इतना। अब इसके बाद अगला स्प्लिट सेल, अभी अपन ने मिलाया था ठीक है, मतलब दो सेल्स को एक बनाया था। अब स्प्लिट सेल से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम एक सेल को दो भागों में बांटना चाहते हैं ठीक है, तो उसके लिए अपन स्प्लिट सेल्स का यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमारा सेल है, इसको हम बड़ा नहीं करना चाहते ना, हम इसको दो करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा किसी भी बच्चे का, हमने लिख लिया नाम ठीक है। अब उसने हमें बताया कि उसके दो मोबाइल नंबर हैं, हमें दोनों लिखने हैं। वैसे तो हम कॉमा लगा कर लिख सकते हैं, लेकिन एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए आप दो अलग अलग बॉक्स में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करना करेंगे, यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल्स ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम क्या होते हैं ये ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बीच में लाइन चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, दो कॉलम बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, रो एक ही रहेगी। ओके कर दे, ये देखो दो भागों में बट गया। अब हम यहाँ पर एक अलग चीज लिख सकते हैं और इस वाले सेल में हम अलग चीज लिख सकते हैं। आया समझ में ठीक है। अगर मान लीजिए हमें एक सेल को तीन भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल्स पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे तीन रो। अगर आप दो लिख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे में दो भागों में बट जाएगा। हमें कैसे में बांटना है, ऐसे में कॉलम बनाने हैं, तो आप यहाँ पर कॉलम की संख्या लिखोगे, ओके कर दोगे, देखो तीन भागों में बट गया। आ गया समझ में। फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं, अब हम आपको रो वाला ऑप्शन बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया तीन, रो में लिख दिया कितना तीन और कॉलम में लिखा है दो, तो ये दो भागों में बट गया, एक दो, और रो इसमें कितनी बन गई, एक दो तीन ठीक है। इसलिए अपन को रो एक ही लेनी है। अगर आपको यहाँ पर रो बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन रो एक ही लेनी है और कॉलम ज्यादा लेनी है ठीक है। आ गया समझ में। इतने में किसी को कोई डाउट है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, आपको एक टेबल को दो भागों में बांटना है। तो जैसे कि हमारी ये जो टेबल है अभी तो छोटी है, मान लो बहुत ज्यादा बड़ी है ठीक है, इसको हमें दो भागों में बांटना है, कहाँ से, यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से हमारी टेबल अलग अलग हो जाएगी, ये टेबल अलग हो जाएगी, ये टेबल अलग हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। अब इसका ये देखिए, ये नीचे पहुंच गई है, हम इसको खिसका कर नीचे लेकर आ जाते हैं ठीक है। इस तरह से ये वाली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट टेबल। आ गया समझ में। एक टेबल को आप दो भागों में बांट देंगे तो ये टेबल अलग हो जाएगी, ये टेबल अलग हो जाएगी। इसी तरह से फिर से हम यहाँ पर जाएंगे लेआउट में और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे, तो फिर से ये इस टेबल को दो भागों में बांट देगी ठीक है। आ गया समझ में। इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, वापिस वैसे ही करना है तो आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा ठीक है, और कोई तरीका नहीं। आप सोचो हम यहाँ से स्प्लिट पर से हटा दें तो ये वापस वैसी हो जाए, नहीं, आपको यहाँ पर स्प्लिट टेबल कर दी है तो आपको ये दोनों टेबल अलग अलग हो गई है, अब इनको मिलाना है, तो या तो आप यहाँ पर इस टेबल को डिलीट करके दूसरी टेबल बनाओ उसका डाटा हटाकर, या फिर आप कंट्रोल के साथ तुरंत जेड कर दो। कंट्रोल जेड कब कर सकते हो आप, जब मान लीजिए हमने थोड़ी देर पहले ही कोई काम किया है। अब जैसे कि हमने इस टेबल को स्प्लिट कर दिया है, मतलब ये हट गई है हमारी, ये टेबल इतनी अलग हो गई है ठीक है, पेज छोटा है वो इसलिए अगले पेज पर चली जाती है बार बार। ये जो टेबल है ये पुरानी वाली, अपन इसको हटा देते हैं इसको, क्लिक करेंगे यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट टेबल ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए आपने इसको दो भागों में बांट दिया है टेबल को, और इसमें हमने बीच में क्या कर दिया था, अभी हमने इसमें बीच में ये जो टेबल थी उसको डिलीट कर दिया है ठीक है, लेकिन हम उसको वापस लेकर नहीं आना चाहते, या फिर हमने बीच में कोई भी इसमें एडिटिंग कर ली, यहाँ पर कुछ लिख लिया, अब हमें टेबल को वापस लेकर आना है। यदि हम कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, ये चीज हट जाएगी, इसलिए कंट्रोल जेड करना है तो तुरंत करो। अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, ये जो लिखा है जो हटाया है वो सब वैसा का वैसा हो जाएगा, हमें फिर से करना पड़ेगा, इसलिए आप तुरंत कंट्रोल जेड कर दो या फिर दूसरी टेबल बना लो।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आगे लेआउट में ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन और बता देते हैं, अभी थोड़ा सा और टाइम है, फिर इसके बाद ये वाले ऑप्शन हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है रो की या कॉलम की आपको हाइट या विड्थ बढ़ानी है। अभी हमने आपको यहाँ से बढ़ाना बताया है, ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्लिक कहाँ पर है, इस वाले शैल में, यहाँ से हम इसको विड्थ बढ़ानी है हमें जो रो रो है उसकी, तो आप इस तरह से ऊपर वाला जो है इससे आप बढ़ा सकते हैं जितनी चाहें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, नॉर्मल करनी है जैसी पहले थी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक कर दो। कम करनी है तो इससे आप कम कर सकते हो, ऊपर वाला जो एरो है इससे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल करनी है तो क्या करेंगे, ये साइड में ये जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से कॉलम की आपको जो विड्थ है उसको बढ़ानी है या कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो इससे क्या हो जाता है, ऑटो फिट हो जाती है, ऑटोमेटिक जितनी नॉर्मल साइज रहती है नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, इतना क्लियर है। सेल साइज, इसके बाद ये वाले ऑप्शन और ये वाले हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब इतने में जो हम अभी तक पढ़ा चुके हैं, कुछ डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन करना, जो भी नहीं आया पूछ लेना। ये ऑप्शन रह गए हैं हमारे, और इसमें अपन ने टेबल में ये दो ऑप्शन रह गए, तो ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।